तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि कल मंडे नाइट रॉ पे एक बहुत बड़ा मैच अनाउंस कर दिया गया था, रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर द WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। जी हाँ, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैच हो सकता है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि क्या होगा चैंपियनशिप के साथ जब ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन बने, लेकिन सेथ रॉलिंस होगा वो बंदा जो चैलेंज करेगा रोमन रेंज को, और ऑलरेडी लोगों की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये बात की मैं आपको दे सकता हूं कि रेसलमेनिया 38 तक यूनिवर्सल चैंपियनशिप, WWE चैंपियनशिप, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस, इस सब के ऊपर एक बड़ा पॉडकास्ट आने वाला है मेरा और रोहित का। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें, जल्दी उसको रिकॉर्ड करने वाले हैं और उसमें बहुत सारी डिस्कशन और इंसाइट्स होगी जो मुझे पता है आप लोग सुनना चाहेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक रहेगा वो ये कि क्या सेथ रॉलिंस रोमन रेंज को हराने वाले हैं और क्या वो बन सकते हैं द न्यू WWE यूनिवर्सल चैंपियन। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर नई वीडियो आ चुकी है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। कुछ और प्लान था इनिशियली कि आपके लिए जो अगला ब्लॉग आएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन वो प्लान्स जो हैं काफ़ी चेंज हो गए। तो मैंने आपको अपडेट दिया ब्लॉग के अंदर कि क्या आने वाला है कंटेंट और फिलहाल जो है कंडीशन क्या चल रही है यहाँ पे कनाडा के अंदर। तो अगर आप वो वीडियो चेकआउट करना चाहते हैं, छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा आपका टाइम लेगी नहीं, डेफिनेटली लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगर किसी को पता नहीं है मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो भाई मैं दूसरे चैनल की बात कर रहा हूँ, व्लॉगिंग चैनल की। अगर आपने वो चेकआउट नहीं करा उस पर वहाँ पर वीडियोज़ हैं, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ओपिनियंस डेफिनेटली मुझे बताएं किस टाइप का कंटेंट आप देखना चाहेंगे, तो मैं उस चीज के लिए वेट करूंगा। द लिंक इज डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। डेफिनेटली आप लोगों के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप लोग अपनी सारी रीजनिंग और कमेंट्स मुझे नीचे दे सकते हैं और मैं बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा वो पढ़ने में। लेकिन कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं और उसके अराउंड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो ऐसा लगता है कि ऑलरेडी WWE ने सोच लिया है कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज का जो मैच है वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो हमको अभी ब्रॉक और रोमन के बीच में आगे की स्टोरी लाइन नहीं दिखाते, कुछ वहां पे प्रोग्रेशन नहीं होता। लेकिन ऑलरेडी हमने देखा है कि किस तरीके से रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन का जो ट्रायंगल चल रहा है स्टोरी लाइन का, WWE इसके साथ आगे बढ़ रही है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट है कि रोमन वर्सेस ब्रॉक ही होगा एट द रेसलमेनिया पेपरव्यू। लेकिन इसके बाद हम एक और चीज ऐसी पढ़ते हैं जो कि गाइस अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के बाद आ रही है कि सेथ रॉलिंस एक्चुअली में रेसलमेनिया 38 में वॉक इन करने वाले थे एज द WWE चैंपियन, यानी कि डे वन पेपरव्यू में ओरिजिनल प्लान्स के अकॉर्डिंग सेथ रॉलिंस नए चैंपियन बनने वाले थे और उनका मैच बिग ई के साथ होना था रेसलमेनिया 38 में फॉर द टाइटल। तो ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है जो कि हमें जानने को मिली है अब इतने दिनों बाद। लेकिन ऑब्वियसली अगर WWE ने प्लान करा था रॉलिंस को एक टाइटल जिताना और प्लान्स में चेंज होने की वजह से वो नहीं हो पाया, तो क्या अब यूनिवर्सल चैंपियनशिप WWE सेथ रॉलिंस को दे सकती है? गाइस मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसके बारे में आप भी कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज की हम बात करें कि अगर रॉयल रंबल अब नेक्स्ट पेपर व्यू है और हम जानते हैं कि जो भी उसका विनर होगा वो चैलेंज करता है किसी चैंपियन को एट रेसलमेनिया, तो क्या ये जो रूल है WWE का इस पॉइंट पे ये अलाउ करता है उनको फॉर अ टाइटल वर्सेस टाइटल मैच एट रेसलमेनिया? क्या रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे से लड़ सकते हैं चैंपियन वर्सेस चैंपियन और उसके बाद रॉयल रंबल का विनर इन दोनों में से किसी एक को चैलेंज करे? इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा था कि कैसे 2 नाइट्स की रेसलमेनिया होने वाली है, तो डेफिनेटली इस चीज की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर WWE चाहे तो टाइटल्स को यूनिफाई भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यहां पे ये रहेगी कि अगर रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर होता है रेसलमेनिया 38, तो आई डोंट थिंक कि वो दोनों वॉक इन करेंगे एज द चैंपियन। मेरे हिसाब से कोई एक दोनों में से टाइटल हारेगा और ये अभी अर्ली प्रेडिक्शन है। हो सकता है मेरी प्रेडिक्शन रेसलमेनिया से पहले कुछ और हो, रॉयल रंबल के बाद चेंज हो जाए। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं तो क्या WWE सिर्फ रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच करने के लिए रेसलमेनिया में उनकी रेन को खत्म कर देगी? क्योंकि इस पॉइंट तक हमने देखा है कि कितना एफर्ट WWE ने क्रिएटिव ने डाला है रोमन रेंज की रेन को बिल्ड करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए। तो अगर इस पॉइंट पे रोमन रेंज ऐसे ही टाइटल हार जाते हैं और उनके कैरेक्टर में आगे हमें कुछ देखने को नहीं मिलता, तो क्या वो एक सही डिसीजन है? क्या रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियन बने रहे और ब्रॉक अपना टाइटल हार जाए वो बेटर सिनेरियो नहीं है रोमन रेंज के लिए फॉर रेसलमेनिया 38? मैं इस बात से एग्री करूंगा, ना कि रोमन रेंज के टाइटल यहां पे हारने से। तो ये बात मैं बोलना चाहूंगा कि आई डोंट केयर कि कितना बड़ा मैच है रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस, क्योंकि ये पर्सनली एक ऐसा मैच है जो मैं भी देखना चाहता हूं, मैं इसके लिए बहुत इंटरेस्टेड हूं। लेकिन गाइस क्या सेथ रॉलिंस ने, अगर हम बोलें, क्या इतना कुछ करा है, क्या स्टोरी लाइन में इतना कुछ है कि वो जाके रोमन रेंज को डीथ्रोन कर दें और बन जाए नए यूनिवर्सल चैंपियन? अब एक पॉइंट यहां पे ये भी आता है
बताया कि भाई अगर WWE किसी एक स्टार को बुक करना चाहती है टू बीट रोमन रेंज, तो वो कितनी बड़ी बात होगी, कौन वो होगा एक्चुअली में जो इतनी लंबी रेन रोमन रेंज के खत्म करेगा। डेफिनेटली WWE के पास अपॉर्चुनिटी है वहां पे एक नया स्टार क्रिएट करने की, किसी नए बंदे को पुश देने की, लेकिन साथ के साथ उसको उतना बिलीवेबल भी बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई लगे रोमन रेंज को हरा सकता है। रॉलिंस ऑब्वियसली वो काम कर सकते हैं, लेकिन क्या आपके हिसाब से रॉलिंस को उस चीज की जरूरत है भी या फिर नहीं इस पॉइंट पे, वो आप मुझे बताएं। लेकिन अगर रॉलिंस भी वो नहीं कर पाएंगे तो फिर बचता कौन है आखिर, वो भी पीछे क्वेश्चन है। ड्रू मैकइंटायर आई डोंट थिंक अभी उनको उतना पुश मिलने वाला है, देख रहे हैं हम उनकी स्टोरी लाइन कैसी चल रही है। बिग ई अभी मंडे नाइट रॉ के ऊपर है। केविन ओवेंस आई डोंट थिंक इसके अंदर फिर से इन्वॉल्व होंगे क्योंकि ऑलरेडी उनकी इतनी लंबी स्टोरी लाइन चल चुकी है रोमन रेंस के साथ। तो ये सारे पॉइंट देख के काफी इंटरेस्टिंग बनता है कि भाई शायद रॉलिंस के अलावा या ब्रॉक के अलावा कोई बचता नहीं है जो रोमन रेंस को एक्चुअली में हरा पाए। और मुझे उस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे पहले कि वो जाके कमेंट्स में बोले कि भाई तुमको क्या दिक्कत है अगर रोमन हार भी जाते हैं। स्टोरी लाइन भले ही कैसी हो, मुझे पता है कि रॉलिंस और रोमन की हिस्ट्री बहुत है, रॉलिंस ने रोमन को पहले भी हराया हुआ है और वो चीज रिपीट भी हो सकती है। और रॉलिंस अगर यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि रोमन रेंस पर मंडे नाइट रॉ पे चले जाएंगे या ब्रॉक वापस आ जाएंगे अपना टाइटल लेके? क्योंकि एक बात क्लियर है कि अगर ये मैच टाइटल वर्सेस टाइटल नहीं होता तो दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों के पास चैंपियनशिप ना हो। तो आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं गाइस कि अगर ब्रॉक वर्सेस रोमन ही रेसलमेनिया का मेन इवेंट है तो क्या वो टाइटल वर्सेस टाइटल होगा, विदाउट एनी टाइटल होगा, और अगर किसी एक पे टाइटल है तो वो कौन सुपरस्टार होना चाहिए। मेरी प्रिडिक्शन करंटली ये रहेगी कि ब्रॉक लेसनर अपना टाइटल हार जाए बॉबी लैशली के अगेंस्ट और उसके बाद रोमन रेंस के साथ वो अपनी फ्यूड कंटिन्यू कर सकते हैं और सेथ रॉलिंस वापस जाके WWE चैंपियनशिप के लिए कंपीट कर सकते हैं अगेंस्ट बॉबी लैशली। मेरे हिसाब से वो बेस्ट केस सिनेरियो है। लेकिन बात रही इन दोनों मैचेस की, यानी कि बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस, बड़े मैच हैं। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं रॉयल रंबल के लिए। और अब मैं आप लोगों से फाइनली ये वीडियो एंड करने से पहले एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ऐसे ही छोटी वीडियोस, क्विक डिस्कशंस ऑन इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं चाहता हूं आप लोग नीचे कमेंट करें और उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। जो भी इस समय रेसलिंग में इंटरेस्टिंग चल रहा है उसके बारे में ऐसी शॉर्ट वीडियोस हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा बातें खींचेंगे नहीं। लेकिन आज का क्वेश्चन फिर आता है, क्या रोमन रेंस को सेथ रॉलिंस हरा सकते हैं? अकॉर्डिंग टू मी नो, ऐसा नहीं होना चाहिए और उसका रीजन मैंने आपको दे दिया। आपके कॉमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वीडियो पे क्योंकि मैं उनको पढ़ने वाला हूँ, रिप्लाई करूंगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बना दूं और आप लोगों को शाउट आउट दूंगा अगर आपका आइडिया पसंद आया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।